जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। सारे बोलो हरे राम, मोबाइल वाले बोलो हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाद बद्रेश। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका सुबह के कार्यक्रम में स्वागत है और पधारने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। अंग्रेजी में कहा है, रेपुटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराने से वो याद होती है। तो एक दोहराने योग्य क्या बात है? दोहराना ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है, परमपिता, ये बातें दोहरानी हैं तो हम सीख जाएंगे। क्योंकि सारी समस्याएं इस शरीर के कारण हो रही हैं। अरे शरीर साधु संतों को भी होते हैं, उनको क्यों समस्याएं नहीं है? वो अपने आप को शरीर समझते नहीं। एक और संत तुकाराम जी को, एक उनका भक्त थोड़ा सा वो ऐसा क्रोधी भक्त था, क्रोध करने वाला, आके उनको कहता है महाराज आप ये बताइए कि आपको कभी क्रोध नहीं आता, किसी पर गुस्सा आप नहीं करते, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष आपके अंदर नहीं है? इसका क्या कारण है? संत कहते हैं इसका कारण मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ। तेरे पास केवल 7 दिन हैं, 7 दिन के अंदर अंदर तू मर जाएगा। पर ये कहा था इतने बड़े संत ने तो वो घबरा गया। उसका जीवन पर 7 दिन के बाद मैंने मर जाना है। बड़ा विनम्र बन गया, जिनसे झगड़े करता था लड़ता था उनसे भी जाके माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा। 7 दिन के बाद कहते भी आज मैं मर जाऊंगा, भी चलो गुरुजी से संत तुकाराम जी से जाके आशीर्वाद लेता हूँ। कहते महाराज मैं अभी मरने वाला हूँ, 7 दिन हो गए तो मुझे आशीर्वाद दो। कहते तू ये बता 7 दिन के अंदर तू कैसे रहा? कहते मैंने जिन जिन को तंग किया था, क्रोध किया था, उन सामने मैं सबसे क्षमा मांगी और मैं सदा से चिंतन में रहता था कि मैंने मर जाना है। कहते यही कारण है मेरा कि मैं सबसे अच्छा व्यवहार करता हूँ, मैं सदा मौत को देखता हूँ। तुम आम व्यक्ति में और संतों में क्या फर्क है? संत बुराइयों से दूर हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से दूर हैं, निंदा चुगली से दूर हैं, क्योंकि वो सदा अपनी मृत्यु को देखते हैं। एक भजन मुझे याद आया बड़ा सुंदर, कहा है सब लोग बोलो, क्षण भांगुर जीवन की कलियां, क्षण
ये जो जीवन रूप कलियां, कली होती है फूल और कली, फूल खिलने से पहले वो कली होती है फिर खिलती है, ये जीवन रूपी कलियां क्षण भांगुर हैं। क्षण भांगुर जीवन की कलियां, क्षण कल प्रात को जान खिली न खिली, कल पता नहीं ये जीवन रूपी कली खिलेगी या नहीं खिलेगी। मलयाचल की शुचि शीतल, मलयाचल की शुचि शीतल, मंद सुगंध समीर मिली न मिली, मंद सुगंध समीर मिली न मिली, मक्खन भांगुर जीवन की कलियां, काली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, तन नम्र से चोट कहले हरि नाम अरि रसना, कहले हरि नाम अरि रस, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर खिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। ये भजन बड़ा सुंदर है। ये जीव रूपी कलियां क्षण भांगुर हैं, पता नहीं कल को ये जीव रूपी कली खिलेगी या नहीं खिलेगी, इस बात को सबको याद रखना चाहिए। मौत को याद रखने से क्या होगा, बुराइयों, जब मरना ही है तो क्यों बुराइयां करें भाई। हम आदमी क्यों मौत को भूल जाता है, जब वो शरीर के लिए सब कुछ करता है, खूब पैसा कमाना है भाई, पैसा कमाना है मोह माया बढ़ाने के लिए, पैसा जितना ज़्यादा इकट्ठा हो गया उतना, वो महादेव लिख रहे हैं, पैसे से तो व्यक्ति का अपने पुत्र से भी खतरा है। अगर ज्यादा पैसा हो गया तो पुत्र भी बाप को मार देगा। ऐसी घटना घटी, एक व्यक्ति हमारे संपर्क में था इलाहाबाद से, पहले एक दूसरे गुरु से वो दीक्षित था, उसका ढोंग सामने आ गया और जेल में चला गया, कहते मुझे भी दीक्षा दे दो, मैंने देंगे दी नहीं हमने दीक्षा उसको। फिर वो फोन करता है मंदिर में, मंदिर में एक माता रहती थी, उसका नाम था कुंती माता, अभी मंदिर में थोड़ी रहती है, अभी तो यहाँ पर है उस समय रहती थी, उस समय वहीं पर थी, अभी वृंदावन में है वो माता। तो माता रहती थी, उसने फोन उठाया, वो कहता है उसका नाम था ढींगर काश था, वो कहता है कि मैं अभी एक दो महीने में आ रहा हूँ, उधमपुरी आके रहूँगा और भजन भक्ति करूँगा बस। तो कुछ टाइम बीत गया तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा था, एक बालिका आके मेरे पास रोने लगी। मैंने कहा बेटी तू कौन है, क्यों रो रही है, कहते मैं आपके शिष्य की बेटी हूँ जगदीश ढींगर की। मैं क्यों रो रही है, कहते वो गुजर गए। मैंने क्या होगा उनको, कहते वो बीमार हो गए तो उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाई, लगा देते क्या करते हैं वो वेंटिलेटर पर चढ़ाया, कहते हॉस्पिटल ले जा रहे थे, मेरे भाई ने क्या किया वो सब पाइपें वाइपें खाए उसके बाप को, हैं हाँ खा के बाप को मार दिया प्रॉपर्टी संभालने के लिए, और रो रही कहते मैं वहीं जा रही हूँ अभी। कहते बेटा तो अभी देखो ये है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पैसे पैसा कमाता आदमी मोह माया फंसे रहने के लिए, अरे जो प्रारब्ध है वो मिलेगा हमको, मिलेगा मुकद्दर।
हमें प्रयास करना चाहिए कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपका शुद्ध भक्त कैसे बनूंगा, आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम कैसे हो। अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, अगर तो भव सा घर से तेरा बेड़ा पार हो जाता, तो भव सा घर से तेरा बेड़ा पार। बीमारी क्या है? लगाई प्रीति विषयों से नकीनी हरि भक्ति तूने लगाए, तू कैसा मूर्ख है, ये जीवन बेकार किया तूने, तू कैसा मूर्ख है, ये जीवन तूने बेकार किया तूने। अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, तो भवसागर से ये तेरा बेड़ा पार हो जाता, तो याद रखो हमने इस भवरूपी सागर से इस संसार को भी, मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु लोग है, इसको भी भव सागर कहा है, इसको भी सागर कहा है, इस भवरूपी सागर से हमने अपना बेड़ा पार करना है। और ये बेड़ा पार केवल कृष्ण की कृपा से होगा, केवल श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम लगाने से होगा। लेकिन हमने कृष्ण के चरणों में प्रेम ना लगाकर विषय विकारों से प्रेम लगाया, जो हमने हर योनि में किया, पशु पक्षी की योनि में विषय विकारों से प्रेम नहीं था मेरा। अभी देखो बंदर है, बंदर की उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। बंदर बड़ा त्यागी जंगल में रहता है, जंगल के बंदर की, वृंदावन के बंदरों की नहीं, जंगल के बंदर में जो है ये एन के उतार लेते हैं बेचारे, मोबाइल छीन लेते हैं। हाँ, तो जंगल का बंदर कंदमूल फल खाता है, वृक्षों पर रहता है, हाँ? कैसा जीवन, तपस्वी जीवन है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अपने साथ 20 बंदरियां साथ रखता है, एक बंदर की 20 बंदरियां उसकी गर्लफ्रेंड हैं, उसकी पत्नियां हैं। ऐसा जीवन क्या है ये भाई? पशु पक्षी योनियों में भी हमने किया, इंद्रियों का इस योनि में इंद्रियों के तर्पण नहीं करना, इस योनि में कृष्ण तर्पण करना, कृष्ण रंजन करना, मनोरंजन नहीं करना भैया। अभी ये देखो अहंकार का प्रसंग चल रहा था, जो दादा गुरुदेव ने बताया, मैं और मेरा, अहमता ममता, मैं ये हूँ, मैं सब अच्छा है, ये अहंकार भी। अहंकार जब हम इंद्रियों के तर्पण में लगते हैं ना, वहां से शुरू होता है, बस ये याद रखो। इंद्रियों का तर्पण नहीं करना, इंद्रियों को प्रसन्न नहीं करना। ये इंद्रियां ऐसी हैं कि अगर कोई इंद्रियों के तर्पण में लगेगा ना, जैसे भगवान ने 3:39 श्लोक में कहा है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नितवैरिन कामरूपेन कौन्तेया दुष्परेण नलेन च। पहले भी 2-3 श्लोकों में बहुत कुछ समझाया भगवान ने, अभी इस श्लोक में 39 श्लोक में कह रहे हैं,
आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानी नो नित्य बैरिना। ज्ञानी का जो सबसे बड़ा शत्रु है काम, वो उसके द्वारा ज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ है। हम सब ज्ञानी हैं लेकिन काम के द्वारा हमारा ज्ञान ढका हुआ है। तो जैसे इसी काम के द्वारा याद रखो, भगवान 39वें श्लोक में कह रहे हैं और प्रभुपाद समझा रहे हैं, जैसे कैदी को सलाखों के अंदर रखा जाता है, सलाखें लगी हैं उसके अंदर, कैद खाने में रखा है, इसी प्रकार काम रूपी सलाखों के द्वारा हमें इस संसार में रखा गया है। काम से कामनाएं इच्छाएं, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, ये सब बेकार है। हमें केवल कृष्ण प्रसाद खाना है और कृष्ण प्रसाद भी उतना जितना शरीर को आवश्यकता है। मैंने देखा एक व्यक्ति, वो चावल का पहाड़ बनाता है, ऐसे ऐसे हाथ करता है, ऐसे करता है, खा के पेट फटता है, फिर उसका फिर कहता है ओ मेरे शक्कर लूज हो गए, पेट भरा हुआ है, शक्कर काम नहीं करते। फिर उसके खाने में अभी सुना थोड़ा काम कर रहा है, खाने बस खाने की बीमारी। एक घर में वो खाने के लिए गया, खाया को माता जी फ्रूट भी है नहीं, माँ जी कहती खाते खाते खा रहा है उसको जो भी रखा है, फ्रूट को ढूंढ रहा है और खाना है, ये खाना है। अरे हमने जीने के लिए खाना है। और प्रसाद भी प्रभुपद कहते हैं जो नया नया भक्त बने, एक साल के लिए खाने दो खूब उसको, एक साल के बाद उन्हें प्रसाद भी नियमित खाना है, उतना खाना है जितनी शरीर को आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं। ये देखो एक बात और ध्यान रखो, कभी भी कोई कम खाने से नहीं मरा, ज़्यादा खाने से ही मरे हैं लोग। कम खाने से कोई नहीं मरता, कम खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये जीवन रूपी कलियाँ क्षण भागुर हैं भाई, इनके द्वारा कल रूपी जीवन रूपी कली पता नहीं खिलेगी या नहीं खिलेगी। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली, मलयाचल की सुंदर सुंदर जो हवा पतन काल मिलेगी या ना मिलेगी। कल काल कुठार लिए फिरता, काल को कहीं ढूंढने नहीं जाना, मृत्यु को हम सर्प लेके ढूंढ घूम रहे हैं। जब आए हम इस जग में काल चला हम जोली बनकर, जब हम आए तो काल तो साथ में चल पड़ा जन्म से ही। एक दिन बच्चा हमारा एक दिन मर गया, उसके जीवन से मृत्यु के निकट आना शुरू हो गया। वो काल जो है उसको सर्प लेके हम चल रहे हैं। काल कुट काल कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट कुठार की चोट लगी पता नहीं झेलेगी या नहीं झेलेगी। कईयों को चोटें लगती हैं पता नहीं झेले नहीं झेले। अभी आखिरी शब्द बड़े अच्छे हैं, सारे शब्द अच्छे हैं। कह ले कहाँ ले हरि नाम अरी रसना, मेरी जीवा तो नाम ले ले भगवान का, हरि नाम मेरी अरी रसना, हरि नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। फिर अंत समय में हिली ना हिली, पता नहीं अंत समय में तुम हिलेगी या नहीं हिलेगी, नहीं जानते। अभी तुम भगवान का नाम ले ले बस, जब तक शरीर में शक्ति है। और कहा है कीमती समा कृष्ण भजन का, कीमती समा सत्संग का, व्यर्थ में मत खो। क्या पता कल बदन में ताकत हो न हो। जब तक श्री चल फिर भजन कर लो, नाम ले लो भगवान का।
भगवान का नाम ले लो, भगवान के नाम को कभी नहीं भूलो। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद दिन रात ये नाम तेरे मैं गाऊं, दिन गोविंद दामो दर माध बेटी, गोविंद हे कृष्ण हे या दब खे सखेती, प्रार्थना भगवान के चरणों में। हे गोविंद मैं आपके नाम को कभी ना भूलूं, बस आपको सदा याद रखूं, यही जीवन की सफलता है। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही नाम तन नाथ त्यागो, गोविंद दामो दर माध बेटी, हे कृष्ण हे यादव के सकेती, सुंदर शिक्षा की ओर ध्यान दो। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारो क्या साथ लाए अरुले चलोगे, जाए यही साथ सदा तुम्हारे, गोविंद दामो दर माध बेटी, हे कृष्ण हे यादव के सखेती, नारी धरा दाम सुपुत्र प्यारे, नारी कलात्र सद बांधव मित्र सारे, कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न साथी प्रभु को पुकारो, गोविंद दामोदर माध बेटी, गोविंद हे कृष्ण हे या दब हे सखेती, नाता भला क्या जग से हमारा,
आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो प्रभु को पुकारो, सोचो विचारो प्रभु को पुकारो। गोविंद दामो धर्माद बेटी, गोविंद दामो धर्माद बेटी। हे कृष्ण हे या जब हे सकेती, हे कृष्ण हे या जब हे सकेती, हे कृष्ण हे या जब हे सकेती। सच्चे पिता सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे। माता पिता शील सुबंधु प्यारे, भूलो न भाइयो दिन रात गाओ, भूलो न भाइयो दिन रात गाओ। भूलो न माताओ दिन रात गाओ, गोविंद दामो धर्माद बेटी, गोविंद दामो धर्माद बेटी। हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो हमें इस बात को याद रखना है, हमारा कोई नहीं, नंदलाल के सिवा हमारा कोई नहीं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। एक बात याद रखो, भगवान को जब नंदलाल कहते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नंद जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। अगर भगवान को आप यशोदा नंदन नंदन कहते हैं, बड़े खुश होते हैं भगवान। देवकी नंदन कहते हैं, बड़े खुश होते हैं। सच्चिनंदन कहेंगे तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के अधीन है। भगवान भगत के बस में होते आए, जब जब भीर पड़ी भक्तन पैदल, जब भीर पड़ी भक्तन पैदल। नंगे पाँव वो आए, नंगे पाँव वो आए। भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान भक्तों के बस में हो जाते हैं, बस भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना। भाई भक्ति करो, भक्ति करके अपने जीवन को सफल करो। दोष हमारे अंदर, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो दोष आते जाएंगे। अभी जो लोग ये कहते हैं मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, और जो मुसलमान ये कहते हैं हिंदू हमारे दुश्मन हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे। कोई किसी का दुश्मन नहीं, दुश्मन तो हमारा मलिन मन है, जो इंद्रियों का तर्पण करके बड़ा मलिन हो चुका है, बड़ा दूषित हो चुका है, मार काट में लगा हुआ है।
तो याद रखो, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मैं जीवात्मा हूँ पर मैंने आत्मा को अभी समझा नहीं, आत्मा को मैंने समझना है। जब हम इंद्रियों का तर्पण छोड़ेंगे, विषय विकारों को छोड़ेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, तब धीरे धीरे हमें ये बात समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो समझने का प्रयास करो, श्री कृष्ण की भक्ति करो और श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। बस मेरे पीछे सारे बोलो, जो तुझे से न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। तो अपनी समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते हैं, समस्या का समाधान केवल कृष्ण के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो, भगवान संभाल लेंगे और हमारा बेड़ा पार कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा गोकुल नंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। हरे कृष्णा, सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न भाई नहीं है? विजय कुमार गंगवानी, विजय कुमार गंगवानी जयपुर से। थे तो जानता है उसको, है? हैं? अच्छा, ये जयपुर से। हाँ अच्छा, अभी समझ गया, ये तो गुरु भाई है तेरा। माई क्वेश्चन इज, गुरु महाराज जी, अभिमान कैसे जाएगा? देखो विजय बेटा, अभिमान जब हम भक्ति करेंगे, शरीर की तरफ कम ध्यान दे करके, शरीर के पोषण की ओर कम ध्यान दे के आत्मा के पोषण में लगेंगे, तो अहंकार जाएगा। आत्मा का उत्थान होने से ये दोष चले जाएंगे। आत्मा जब शुद्ध हो जाएगी, वो समझने लगेगी मैं ये शरीर नहीं हूँ। अभी आत्मा अपने आप को शरीर से संबोधित कर रही है, क्योंकि हम शरीर संबंधी कार्य कर रहे हैं। हम जब आत्मा संबंधी कार्य करेंगे, तो धीरे धीरे अभिमान हमारा चले जाएगा जी, धीरे धीरे जाएगा, एकदम नहीं जाएगा। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि हम अगर घर पर मंगल आरती करते हैं तो मंदिर में मंगल आरती नहीं जा सकते हैं, अगर मंदिर में मंगल आरती करते हैं तो घर पर नहीं कर सकते, तो हम कैसे करें? आपके प्रवचन मेरे लिए मल्टी विटामिन का काम करते हैं और मैं तो आपके मंगल आरती प्रवचन सुनने के लिए सारे दिन एक्साइटेड रहती हूँ, एंड और जब आप मेरे को बेटी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी गलतियों को माफ़ करना, आपकी पतित बेटी सोनिया कक्कड़ वैंकूवर से। सोनिया बेटी, देखो इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा है,
गृहस्थाश्रम साधना, प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा एक जय तीर्थ, तुम्हारा गुरु भाई था, अभी श्री छोड़ दिया उसने, वो लॉस एंजलिस में था तब। प्रभुपाद ने पत्र लिखा कि भक्तों को घर में मूर्तियों की स्थापना नहीं करनी, सबको मंदिर में जाना, मंदिर में साधना भक्ति हो रही है, चाहे वो लॉस एंजलिस में है या कहीं भी है, क्योंकि मिलजुल कर एक उसमें आता है चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाधन तृप्तान हरि भक्त संगान, भक्तों के संग सारा कार्य करना, अकेले नहीं। तो प्रभुपाद ने हमें मंदिर में मंगल आरती करने के लिए भक्तों के साथ में कहा है, उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, अकेले करने से नहीं। अकेले करने के लिए प्रभुपाद ने मना किया है। अंजू माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण महाराज जी। अंजू माता कौन सी है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, वो हम वैंकूवर गए तो मिली थी अंजू माता हमको, तेरे को ध्यान में है कौन सी माता थी वो? अरे प्रश्न, मैं वैंकूवर की बात कर रहा हूँ, वैंकूवर में साथ था मेरे, ये हमको धोखा दे गया था, ये धोखा दे गया था, इसने जाना था लेकिन वो गया था मेरे साथ। अच्छा, क्या अंजू बेटी बोलो। एक संत ने हमें बताया था कि सबको क्षमा कर देना चाहिए, और हमने भी देखा ऐसा करने से बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, पर भगवान ने अर्जुन को यह भी कहा कि अपने हक के लिए फाइट करो, तो मैं कन्फ्यूज्ड हूँ कि अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए। देखो ऐसा है, हर बात हर जगह लागू नहीं होती। अगर कोई ऐसे किसी से छोटी मोटी गलती हो गई, उसको क्षमा करना चाहिए। क्षमा बढ़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी लात। बड़ों को क्षमा करना चाहिए, पर यहाँ कहीं अन्याय हो रहा है उसका सुधार करना चाहिए, अन्याय आदमी को दंड देना चाहिए। मतलब हर बात हर जगह लागू नहीं होती। अंजू ये देखना बेटी, हमने बुद्धि का इस्तेमाल करना, जब हम भक्ति करेंगे ना फिर हमको समझ में आएगी। अभी देखो, जैसे महाप्रभु को कभी क्रोध नहीं आता था, भक्त की भूमिका निभा रहे हैं भगवान, लेकिन जब उनको पता लगा कि एक दुष्ट मधाई ने नित्यानंद जी के सर फोड़ दिया और खून बह रहा है, भगवान एकदम क्रोध हो गए और सुदर्शन चक्र को बुला लिया और मारने को तैयार हो गए उसको। अब यहाँ भक्त का अपमान हुआ है। हर बात हर जगह लागू नहीं होती। ये हम जब भक्ति करेंगे, जब हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी, फिर हमें समझ आएगी कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। समझाई अंजू तेरे को? बस कोविड महामारी के लिए मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से अनसुईया माता ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अपना वो देखती है प्रोग्राम, बाद में देखती है, अभी वहाँ क्या टाइम है? चलो, और कोई प्रश्न तो नहीं? खत्म तब है।